मौसम के बदलते मिजाज के बाद ऊपरी पहाड़ों में भारी बर्फबारी हो रही है तो निचले हिमाचल में जमने वाले कोहरे से दिक्कतें बढ़ गई हैं। वहीं काफी दिनों से हमीरपुर जिला में बारिश न होने के चलते तापमान में भारी गिरावट आई है, जिसके चलते ठंड काफी बढ़ गई है। जमने वाले कोहरे से मौसमी सब्जियां, फलदार पौधे के अलावा गेहूं की फसल पर भी खासा असर पड़ रहा है। तापमान माइनस तक चले जाने के कारण पानी के नल भी जम रहे हैं और घरों के बाहर रखा पानी भी जम रहा है। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला में पिछले कुछ दिनों से जमने वाले कोहरे से ठंड बढ़ गई है। हालांकि पिछले दिनों हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन आज फिर से दिन के समय तेज धूप चमकने के साथ सुबह का आगाज जमने वाले कोहरे से हुआ। किसानों का कहना है कि जमने वाले कोहरे से बेमौसमी सब्जियों को नुकसान पहुंच रहा है तो गेहूं की फसल भी सूख रही है। इनका कहना है कि काफी सालों बाद इस तरह जमने वाले कोहरे से परेशानी हुई है। उन्हें बताया कि सुबह के समय घर के नल भी जम जा रहे हैं तो बाहर रखा हुआ पानी भी जम रहा है। जैसे आप बता रहे हैं कि ठंड बढ़ गई है, ऐसा लग रहा है कि कश्मीर यहाँ पे पहुँच गया। इतनी ठंड हो गई है कि यहाँ पे लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। जो जिस तरह से बाहर निकल रहे हैं, बाहर लोग निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ठंड इतनी बढ़ गई है। जिस तरह से सुबह सुबह निकलते हैं तो हाथों को ऐसी अकड़न होती है। जिस तरह से इस पे सब्जियों पर कोई असर हो पा रहा है, जिस तरह आप देख रहे हैं सब्जियों की सिकुड़ गई हैं, ये खाने योग्य नहीं बची हैं। और ये आने जिस तरह से इस कोहरे की मार से ये सब्जियां, ऐसा लग रहा है कि ये सब्जियां खाने योग्य नहीं बची हैं। और ये इस पे बहुत मार, इस ठंड से बहुत मार पड़ रही है। ठंड क्या जी, ठंडी से स्किन पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना जी। ठंडी से बीमारी का खतरा है, खुश्क ठंड पड़ रही है। और क्या बताएं जी? जो कोहरा पड़ रहा है उससे क्या आपकी फसल या सब्जियों पर असर हो रहा है? हाँ जी, सब्जियों पर तो असर होगा ही। हाँ जी, ठंडी का फसलों पे तो असर हो रहा है जी, बहुत ज़्यादा ही असर हो रहा है।